बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सिकंदर बौद्ध जी। इनसे आज हम बहुत ही ज़्यादा विशेष मुद्दों पर बातचीत करेंगे और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर बात करेंगे। सर, जो इस समय किसान आंदोलन हो रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? सरकार किस तरीके से डटी हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसान तो जवानों की विरोधी है, किसानों की विरोधी है और इस देश में जो गरीब पीड़ित असहाय लोग हैं सबकी विरोधी है। क्योंकि आज जो किसान आंदोलन कर रहा है उसकी मांग है, रेटों के प्रति मांग है। वो नहीं चाहता कालाबाजारी हो या व्यापारियों के हाथ में मामला जाए, ठीक है ना। जवान की बात हो तो चाहे पुलवामा हमला हो, कितने अटैक हुए, इन्होंने कोई उसमें वो नहीं ली। कोरोना को लेकर इन्होंने इस देश के एक एक जनता को कितना परेशान किया है, कितने लोगों की हत्याएं मौत हुई हैं। तो ये सरकार तो अपने मनमर्जी की सरकार है, इसको देश से या देश के विकास से या देश के किसी मुद्दे से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ लेना देना राम मंदिर से है, कश्मीर से है, तीन तलाक से है, लव जिहाद से है और इसका देश के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना नहीं। नहीं, ये अगर अब सरकार ने जो तीन बिल लाए हैं, कानून लाए हैं सरकार किसानों के लिए, अगर इसको वापस नहीं लेते तो भीम आर्मी किस तरीके से क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, किसानों के साथ भीम आर्मी कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। अभी भी आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यह ऐलान कर दिया और हमारा एक एक साथी, मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में हमारे जिलाध्यक्षों की, हमारे मंडल अध्यक्षों की, हमारे कार्यकर्ताओं की कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास और पूरा पूरा समर्थन हमने किसानों का किया है। जबकि मैं खुद उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में था, साजापुर में था, वहाँ पर मैं बैठा, आंदोलन भी किया वहाँ पर उनके साथ में। और जैसा कि भाई ने सिंधु बॉर्डर पे जाकर पूरा समर्थन दिया है और किसानों की बड़ी बड़ी टीम जो है वो संपर्क में भी हमारे, और लगभग कल का भी जितना रहा है हमारे तमाम लोगों को नज़रबंद करके रखा है। मैं तो उनको मिल नहीं पाता हूँ आगरा, नहीं तो मुझे भी ये नज़रबंद कर लें, लेकिन पूरा पूरा समर्थन है और चाहे सड़क से लेकर संसद तक कोई भी लड़ाई हो हम साथ में खड़े हैं, साथ में लड़ेंगे। किसान आंदोलन का समर्थन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है, तो इनको कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन भी मिला है, किसान खुश हैं चंद्रशेखर भाई से? ना, बिल्कुल खुश हैं। जो जितने भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, तो वो भी काफ़ी खुश हैं और तमाम जिलों में जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पर भीम आदमी खड़े होकर उनको समर्थन दिया है। और जेल जाने का काम है तो जेल भी गई है, मुकदमों का काम है तो मुकदमे भी लगवाएं अपने ऊपर, लेकिन किसानों की जो लड़ाई है वो देश के हित के लिए लड़ाई है और उस लड़ाई को हम जो है जीत कर रहेंगे साथ में। प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा कि प्रदेश के अंदर कोई किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट करेगा तो वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो वो ढोंगी है, मुख्यमंत्री नहीं मानते हम उसे, और ऐसे लोगों को हम क्यों सत्ता में माने जो लोग सिर्फ इंसानियत के विरोधी हों। अगर हक की लड़ाई है तो आप अपनी जेलें तमाम बड़ी कर लीजिए, हम जेल जाने को तैयार हैं, रासुका लगवाओ, जेल में डालो, मुकदमे लगवाओ, जो आपको करना हो वो करो, लेकिन हक की जहाँ लड़ाई होगी, जहाँ किसान अन्नदाता है इस देश का, इस ज़मीन की धरती को चीर कर जब वो अन्न देता है तब जाके ये देश उस अन्न को खाता है, उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। हम खड़े हुए हैं सड़क से लेकर संसद तक और तुम्हारी जेल तक और तुम्हारी पुलिस तक और तुम्हारी लाठियों तक, तुम्हारे मुकदमों तक हम खड़े हुए, हम जाएंगे जेल, ले जाइए। एक और जो अभी बहुत ही ज़्यादा विशेष मुद्दा बना हुआ है, जो कि नया संसद भवन की नींव रख चुकी है, आपको भी पता है, और उसमें एक खबर निकल कर आ रही है कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं स्थापित होगी। ये मैं इसको स्पष्ट नहीं करता पर निकल कर आ रही है, इस पर क्या कहना चाहूँ? देखिए, ऐसा है, ये खबर मैंने भी देखी कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारत को एक नई संरचना दी, जो रीढ़ की हड्डी है, इस ये भारत जो टिका हुआ है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अपने और कौम के लिए भी दी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तो वहाँ स्थापित होगी, जरूर होगी, और नहीं होगी तो हम करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये किया है, वहाँ ब्राह्मणों को बुलाकर वहाँ की नींव रखवा रहे हैं, आपके लिए कोरोना नहीं है, आप राम मंदिर की नींव रखवा रहे हैं, इसकी नींव रखवा रहे हैं, पर जल्दी, क्योंकि बड़े बड़े हिटलर जिसने जर्मनी को परेशान बर्बाद कर दिया था, जिस हिटलर ने बड़े बड़े तानाशाह इस धरती पर पैदा हुए, ईदी अमीन हुआ युगांडा से, जो आदम खोर भी था
बड़े बड़ों का सत्यानाश हुआ है और जिसने अथकी करी है उसका गलत ही हुआ है। इस देश में आप जितनी अथकी कर रहे हो ना, ये सारा कुछ गलत होगा और आपकी सरकार 2022 में तो जाएगी जाएगी और आप कहीं के नहीं रहोगे। जिस तरीके एक साफ सीधा सवाल ये है, जिस तरीके से पूजा पाठ करके नींव रखी गई है, क्या इस तरीके से रखनी चाहिए थी या नहीं? देखिए मैं इसमें नहीं, यहाँ के तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू अपने आप को समझते हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है इस देश पे लगभग हावी रही है 4-5 हज़ार सालों से। उन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र करके हमारे राजाओं को, हमारे महापुरुषों को इतना परेशान और प्रताड़ित किया है कि उनको तमाम अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। तो उनकी सरकार है, उनकी चल रही है तो वो करेंगे। आप किस तरीके से चाहते थे कि नींव इस तरीके से, आपका क्या राय था किस तरीके से रखी जाती? नहीं, नींव संविधान है, संविधान को पढ़ के रख कर जानी चाहिए क्योंकि संसद एक बहुत बड़ा मंदिर है पॉलिटिक्स का, जिसका जो भाव है वो बिल्कुल संविधान से जुड़कर। जो नई संसद का इन्होंने कहा है कि नई संसद बनाई जाएगी, आपके अनुसार क्या है कि नई संसद की वाकई में ज़रूरत थी? देखिए ऐसा है, नई संसद की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस देश को ज़रूरत थी तो अच्छे यूनिवर्सिटी की, अच्छे विद्यालयों की, जहाँ शिक्षा से नए नए APJ अब्दुल कलाम पैदा होते, जो इस देश को एक नई संरचना देते, डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होते, भगत सिंह पैदा होते। हमें यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है, नई संसद की या इनके मंदिर की ज़रूरत नहीं है। मंदिर जितने भी बने हैं इनमें उन्हीं का भला होगा जो उस मंदिर में काम करते हैं, ठीक है ना? अभी ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत में है ये संसद, नई जो संसद है उसका निर्माण, ठीक है। तो उसमें एक बात निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी, लेकिन फिर भी भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो सरकार है ना, इस देश में मनुवाद और RSS, ये सारा काम मोदी नहीं कर सकते। ये काम उस आतंकवादी संगठन का है, RSS का है, जिसने इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा। और ये उनके पुरखे जो अंग्रेज़ों से माफ़ियाँ मांगते हुए घूमते हैं, सावरकर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का किसी का भी बात नहीं मानने वाले लोग हैं ये। आज आप देश की स्थिति देख रहे हो, कहाँ था देश और कहाँ खड़ा हो गया। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको बेच बेच कर इन्होंने बर्बाद कर दिया। और उत्तर प्रदेश के जो SC ST OBC के जो बच्चे थे, जिनको वजीफा मिला करता था, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये आपको सूचना नहीं है शायद? कहीं ना कहीं एक और सवाल, बहुजन समाज के व्यक्ति कहते रहते हैं कि भीमा आर्मी जो भारतीय एकता मिशन संगठन है उसको संगठन ही रहना चाहिए, पार्टी नहीं बननी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों कहते हैं लोग? अच्छा मुझे आप ये देखो, मुझे आप ये बताओ, मैंने अभी इतनी बड़ी बात कही कि समाज को आज भीमा आर्मी की ज़रूरत है, मुझे लगता है, सुन लीजिए, समाज को आज भीमा आर्मी की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि कहीं भी हमारे लोगों पे एट्रोसिटी की जो घटनाएं होती हैं उस पर हम लोग काम करते हैं, इसलिए ज़रूरत है। लेकिन मुझे आप ये बताओ, ये काम किसे करना था? ये काम उन पार्टियों को करना था जो समाज से वोट लेती हैं। और जब वो नेता काम नहीं करेंगे, भैया तुम्हारी फैक्ट्री चलेगी नहीं और मैं चलाऊँ नहीं, तो ये नहीं होगा ना। आप जब गलत काम कर रहे हो, आप समाज के बीच में नहीं आ रहे हो, बहन बेटी के साथ रेप बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ आप दलाली करने पहुँच रहे हो, ना कि उस समाज को न्याय दिलाने के लिए, अपनी बहन बेटी को न्याय दिलाने। अगर हम लोग काम कर रहे हैं समाज का, तो जिम्मेदारी और दायित्व ही हमारा है कि हम समाज से वोट लेंगे। जब हम बिना राजनीति के, बिना सांसद के, बिना विधायक के लड़ रहे हैं, तो जब हम सत्ता में होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से आप उतरोगे? हम पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और वो भी आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो फैसला होगा, चाहे वो गठबंधन से हो चाहे कुछ भी हो, वो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तय करते हैं। उस समय जो भी परिस्थिति सिस्टम होगा, जो भी हमें आदेश मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ जो है चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी जो जिला पंचायत का जो चुनाव है वो भी हमारी पार्टी लड़ेगी पूरे दमखम के साथ। पूरे अगर चंद्रशेखर जी कहते हैं कि गठबंधन से हुआ तो गठबंधन के साथ समर्थन करोगे, नहीं तो अपने मतदान? बिल्कुल, जो भी आदेश आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का हुआ। आपका कोई सवाल? लव जिहाद पर आपकी क्या राय है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो मुद्दे हैं जिनका ना पैर है ना सर है। लव जिहाद की मैं आपको एक बात बता दूं कि लव जिहाद करने का सबसे पहला कुकर्म अगर किसी ने किया तो बाजीराव ने किया, और वो भी मस्तानी के साथ किया। पुणे में जाकर देखिए, वही बाजीराव जिसका अस्तित्व मिटाया था हमारे समाज के बुजुर्गों ने, मेरे बुजुर्गों ने, 500 महारों ने, 28,000 पेशवाइयों को काटा था, वही बाजीराव ने लव जिहाद का काम किया था। सबसे पहले लव जिहाद तो उन्होंने किया है। जब उसका बच्चा हुआ तो ब्राह्मणों ने उस बच्चे को उसका मानने से इनकार कर दिया। तो उस इतिहास को पढ़िए ना, जिनके लिए आप लव जिहाद की बात कर रहे हो, पहले अपने बुजुर्गों का देख लीजिए, उन्होंने लव जिहाद किया है।
कोई सवाल? वर्तमान की स्थिति को लेकर बताइए। वर्तमान की स्थिति को लेकर लव जिहाद का कोई मतलब थोड़ी होता है भाई। जिसका जो प्रेम है, संविधान हमें देता है स्वतंत्रता भाई, स्वतंत्रता देता है। अगर लड़की बालिग है, अगर वो चाहती है कि मैं इससे शादी कर सकती हूँ तो बिल्कुल करे, इसमें क्या लव जिहाद का मैटर है। मतलब आपकी आपकी यही मंशा रहेगी कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है इस पर संज्ञान लें? बिल्कुल 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 लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए भाई। संविधान भी तो है ना, एक दायरा भी तो है जो हमें आर्टिकल 19 देता है। आज़ादी हमें किस बात की है फिर भाई? बाबा साहब ने आज़ादी दी, क्यों दी? अगर लव जिहाद की बात करें तो ऐसे तो जितने भी ये नेता हैं, आपके रामदास आठवाले हैं और आपके ये पासवान थे, सब ब्राह्मण हैं पत्नी। अब बताओ क्या बात करोगे लव जिहाद की भाई? मुस्लिम के ऊपर ही टारगेट करोगे? 3 तलाक पर ही तुम बोलोगे भाई? उनका समाज है, उनकी कुरान है, उनका इस्लाम है, वो अपने तरीके से देखेंगे। आप भी तो अपना देखिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं जिस जगह पर अगर आंदोलन हो रहा हुआ उस आंदोलन का भीम आर्मी समर्थन करती है तो वो आंदोलन गलत है, इस पर क्या कहना चाहोगे? यानी किसान आंदोलन कर रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हो तो उसको गलत बता रहे हैं ये लोग? मुझे आप ये बताओ, कहने वाला तो कुछ भी कहता है, लेकिन हमें तो पता है ना, ये तो आप भी जानते हैं। देश का जो अन्नदाता है, जो आज अगर वो खेती बाड़ी नहीं करेगा तो आप रोटियाँ खा लोगे? अंधभक्तों को ये बात समझ क्यों नहीं आती है? तो मुझे आप ये बताओ, वो अंधभक्ति क्यों है फिर? अगर उसके समझ में ही आ जाए तो वो नहीं रहे ना अंधभक्त। कब इनकी आंखें खुलेंगी, आपको क्या लगता है कब खुलेंगी? देखिए, संघर्ष जितनी लेट होता है ना, मतलब संघर्ष जितनी लेट होता है उतना ही समाज को भुगतना पड़ता है। जल्दी समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना? वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियाँ ये भाजपा सरकार में हैं, तो जो राजनीतिक कैदी यानी जो भी परिस्थितियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें राजनीतिक कैदी कहते हैं। उन राजनीतिक कैदियों को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को डाला गया, उमर खालिद को डाला गया, उसी तरह कन्हैया कुमार को भी डाला गया था, ठीक है, और अभी मनजीत सिंह नौटियाल जैसे उनको भी डाला गया है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। इस देश को जब आज़ादी का समय था तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जब आवाज़ उठी तो उस आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने शहीद भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया, उनको कैद में रखा। जब आवाज़ उठी तो अशफाकउल्लाह खां, उनको कैद में रखा, उनको फांसी पर चढ़ाया। ना जाने हमारे कितने वीर सपूत फांसियों पर चढ़े, जेल में रहे, और इसलिए रहे कि मेरे बच्चों का जो आने वाला भविष्य, मेरे देश का जो आने वाला भविष्य, वो निकले, तरक्की करें। उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी। तो आज चाहे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, ये भी उसी राह पर हैं कि जब भी देश में कोई गलत घटता है उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। चाहे जेल में मुझे डाला गया, चाहे भीम आदमी कई साथियों को डाला गया, तो ये तो जारी रहेगा। जहाँ गलत होगा वहाँ गलत का हम विरोध करेंगे, उसके लिए चाहे तुम जेल में डालो, चाहे कहीं भी डालो।